नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर फैंटेसी विन में। दोस्तों इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटल्स में ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन। IPL का 59वां मैच खेला जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बेहतरीन से बेहतरीन टीम देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो हैदराबाद और लखनऊ का प्रेडिक्शन देख सकते हैं, एंड यहाँ पर कल का प्रेडिक्शन देख सकते हैं कि कितना खतरनाक मेरा कल का प्रेडिक्शन गया था और सबसे यूनिक मैंने टेलीग्राम पर टीम डाला हुआ था। तो अगर आपको विनिंग करना है, अगर आपको ड्रीम इलेवन चेंजर बनना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या, इस वीडियो को फुल वॉच करके जाएगा, एंड वहां पर आपको लास्ट मोमेंट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गुजरात टाइटल्स का कौन सा ऐसा जो चार से जो पांच प्लेयर होगा वही पॉइंट देने वाला है, नहीं तो सारे प्लेयर इसमें फ्लॉप होंगे। अगर इसमें बात करें चेन्नई सुपर किंग्स में, तो इसमें भी आपको चार से जो पांच प्लेयर होंगे यानी छह प्लेयर तक इसमें काम करने वाले हैं और इसमें सिर्फ चार प्लेयर काम करने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इस वीडियो में आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीम देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको देखा जाए तो 10 मई 2024 को 7:30 पर यह महामुकाबला स्टार्ट हो जाएगा गुजरात वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स में। आपको पिच रिपोर्ट कवर करने वाला हूं, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहेगा, दोनों तरफ से प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकता है, प्लेयर स्टेटस, मैचअप और फाइनल टीम लास्ट के मोमेंट में क्या होने वाला है, कौन सा वो 11 खिलाड़ी होगा जो आपको अपनी ड्रीम टीम में शामिल करना है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौन सा वो 11 खिलाड़ी होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले अगर इसमें पिच रिपोर्ट देखा जाए तो पिच रिपोर्ट क्या कहता है, यानी इसमें अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलेगा या आपको गेंदबाजों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो अभी तक टोटल जो मैचेस हो चुका है तो इसमें 32 मैचेस हो चुका है। क्योंकि अगर इस स्टेडियम की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो आपको अहमदाबाद में खेला जाएगा, अब आपको ध्यान में रखिएगा कि अहमदाबाद का जो बाउंड्री डिस्टेंस होने वाला है थोड़ा आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा और इसी वजह से इसमें थोड़ा लो स्कोर बनता है, जैसा कि आपको पता होगा। रेमर फर्स्ट बैटिंग करने वाली, अगर वही सेकंड बैटिंग करने वाली टीम देखेंगे तो 18 बार जीत चुकी है। अगर इसमें बात करें तो एवरेज स्कोर आपका कितना जा सकता है, 168 जा सकता है। अगर हाईएस्ट स्कोर बात करें तो 233 गया है, सिर्फ कितना बार गए आप यहां पर देख सकते हैं, सिर्फ 190 बार जो गया है इसमें 8 बार गया है, यानी 190 से ऊपर गया है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो लोवेस्ट की बात करें तो 89 पर 10 विकेट गया है। अगर इसमें बात करें पेसर को सपोर्ट मिलेगा या आपको स्पिन को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो देख सकते 86 विकेट जो निकाल चुका है इसमें आपको पेसर निकाल चुका है, यानी 76% जो विकेट निकाल कर जाता है वो आपको पेसर को मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करता हूं स्पिन को, तो यानी इसमें 27 विकेट निकाल चुका है और इसमें 24% जो विकेट निकालता है वो आपको स्पिन निकाल कर दिलाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इस अहमदाबाद का जो पिच होने वाला है स्कोर रिकॉर्ड कितना बन सकता है, यानी इसमें कितना हाईएस्ट स्कोर जा सकता है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो पहले गुजरात टाइटल्स बैटिंग करते हुए 200 बना देती है, लेकिन अगर इसमें वही पंजाब चेस कर अगर सीबीज जब इसमें चेस करने आती है तो इस महामुकाबला को चेस कर जाती है, जो 206 रन बना देती है। और स्पिनर को इसमें 3 विकेट मिलता है और इसमें पेसर को 1 विकेट मिलता है, ज्यादा विकेट नहीं गिरता, 3 इसमें गिरता है 6 इसमें गिरता है। लेकिन अगर इसमें बात करें फिर गुजरात टाइटल्स जब इसमें बैटिंग करने आती है टॉस जीतकर तो 89 रन बनाती है दिल्ली के खिलाफ। अगर वही बात करें तो स्पिनर को 4 विकेट मिल जाता है और पेसर को इसमें 9 विकेट मिल जाता है। फिर अगर वही बात करें तीसरा मैच फिर गुजरात टाइटल्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है तो 199 रन बनाती है, जब इसमें पंजाब चेस करने आती है तो इस महामुकाबला को चेस कर जाती है, जिसमें से स्पिनर को इसमें 4 विकेट मिलता है और पेसर को इसमें 7 विकेट मिलता है। चौथे मैचेस की बात करें तो हैदराबाद पहले बैटिंग करते हुए 162 रन बनाती है, वही गुजरात टाइटल जब चेस करने आती है तो 168 रन बनाती है और इस महामुकाबला को चेस कर जाती है, जिसमें से स्पिनर को 4 विकेट मिलता है और पेसर को इसमें 6 विकेट मिलता है, इस तरह से आपका स्कोर जा सकता है। एक बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर गुजरात टाइटल्स को देखा जाए तो पहला स्कोर 200 रन बनाती है,
दूसरा स्कोर इसमें 89 बना सकती है, तीसरा स्कोर देखा जाए तो 199 बना चुकी है, यानी आपका जो स्कोर जाने वाला है वो 180 से लगभग 190 तक जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर विकेट गिरता है स्टार्टिंग में तो आपको लो स्कोर देखने को मिलेगा, 120 से 130 तक आपका स्कोर जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब चलिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि इन दोनों के बीच में हेड टू हेड क्या रहेगा। गुजरात टाइटंस अभी इसमें 3 मैचेस विन करके आ रही है और इसमें चेन्नई भी इसमें 3 मैचेस विन करके आ रही है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, दोनों मैचेस सेम जीता हुआ है और इसमें बात करें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पिच रिपोर्ट क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है पिच में। स्पिनर को सपोर्टिंग मिलेगा या आपको गेंदबाजों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो किसको मिलेगा। सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो धूल भरी क्रिकेट पिच नरम होती है और अच्छी मात्रा में धूल से ढकी होती है, जो इस गेंदबाजों की पिच बनाती है। इस प्रकार की क्रिकेट की पिच स्पिनर गेंदबाजों को ज्यादा मदद करती है। दूसरी ओर से स्पिन की नरम प्रकृति और गेंद के उछाल की उम्मीद के कारण बल्लेबाजों को ज्यादा काफी यहाँ पर मदद मिलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि अगर इसमें प्लेइंग 11 की बात करें तो क्या हो सकता है। तो पहले नंबर की बात करें तो इसमें जो प्लेइंग 11 हो सकता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें वृद्धिमान शाह, उसके बाद सुमन गिल, साय सुदर्शन, शाहरुख खान, डेविड मिलन, राहुल तेवतिया, रशीद खान, मानो सुथार, उसके बाद नूर अहमद और मोहित शर्मा, उसके बाद यासिर लिटिल जो पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे। लेकिन अगर इसमें बात करें चेन्नई का क्या हो सकता है तो पहले नंबर की बात करें अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, डेरी मिचल, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, मिचल सेंट्रल, उसके बाद शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे, उसके बाद रिचर्डन ग्लेशन। अगर इसमें देखा जाए तो अगर मथिसा पथिराना ठीक होते हैं तो वो भी खेलने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप जब टीम बनाएंगे तो कैसे आप टीम बना के ध्यान में रखेगा। मैं कैसे टीम बनाता हूं कि मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके जाता है, तो सबसे पहले अगर गुजरात टाइटंस बैटिंग करती है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको वृद्धिमान शाह को अपने टीम से ड्रॉप करके जाना है एंड यहां पर सुमन गिल को उठाना है, उसके बाद साई सुदर्शन को उठाना है, उसके बाद शाहरुख खान को ड्रॉप करना है, उसके बाद डेविड मिलर को उठाना है, राहुल तेवतिया को ड्रॉप करना है, अब नीचे जाना है, ऐसे बॉलर को उठाना है, मान लीजिए मोहित शर्मा, उसके बाद एक यूसुफ लिटिल को मैंने अपने टीम में सेलेक्ट कर लिया। अब यहां से करना क्या है, अब आप ध्यान से देखिएगा, जब उधर से विकेट गिरेगा तो इधर से आपको करना है तुषार देशपांडे, उसके बाद आपको रिचर्डन ग्लेशन को अपने टीम में रखना है, अब यहां पर अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, डेरी मिचल को रखना है, अब यहां पर नीचे जाना है, मोइन अली को अपने टीम से ड्रॉप करके जाना है, शिवम दुबे को रखना है, उसके बाद रविंद्र जडेजा को रखना है, महेंद्र सिंह धोनी को अपने टीम से ड्रॉप करके रखना है, मिचल सेंट्रल को अपने टीम से ड्रॉप करके रखना है। पहला टीम आपका ये हो गया। अब दूसरा टीम कैसे बनाना है, दूसरा टीम ऐसे आपको बना के जाना है, वृद्धिमान शाह, उसके बाद सुमन गिल को अपने टीम से ड्रॉप करके जाना है, फिर साय सुदर्शन, शाहरुख खान, डेविड मिलर को रखना है, राहुल तेवतिया तक जाना है, आपको मिडल ऑर्डर में 4 अपने टीम में रखना है, 2 ओपनर को ड्रॉप करना है। अब 2 ओपनर कौन ले सकता है, उसके बाद तुषार देशपांडे, उसके बाद रिचर्डन ग्लेशन को ले सकता है क्योंकि स्टार्टिंग बॉलिंग कराएंगे। इस तरह से आपको टीम बना के जाना है। अब चलिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है अगर इसमें देखा जाए तो, अगर पिछला ड्रीम टीम देखा जाए तो क्या बन सकता है। तो पहले नंबर की बात करें तो 2023 का मैं आपको ड्रीम टीम दिखा देता हूं। तो 2023 में इसमें डेविल कॉनवे काम किए थे, सुमन गिल, यहां पर ऋतुराज गायकवाड़, वाइस कैप्टन का किए थे, रविंद्र जडेजा इसमें अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं तो एक टीम इनको कैप्टन बना के जा सकते हैं, मोहम्मद शमी, उसके बाद नूर अहमद एंड मोहित शर्मा, उसके बाद यम तिछड़ा और रशीद खान, मसीता पसीराना और दीपक चहर। अगर इसमें रीजन किया जाए तो अहमदाबाद का जो पिच होने वाला है इसमें 4-3-7 बॉलर काम किए थे, एक रविंद्र जडेजा लेकर 8 बॉलर। अगर इसमें बात करें फिर इसमें देखेंगे आरसीबी और इसके बाद गुजरात टाइटल्स का मैच हुआ तो इसमें भी कम से कम 5 बॉलर काम किए थे। अगर इसमें बात करें तो बॉलर की बात करें तो देख सकते हैं इसमें 3 और 3 6 बॉलर, 6 और 3 9 बॉलर। इसलिए अहमदाबाद का जो पिच होता है ना तो इसमें आपको सारे बॉलर लेकर जाना है, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसमें देखा जाए तो प्लेइंग 11 ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, डेरी मिचल, उसके बाद रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, मोइन अली, महेंद्र सिंह धोनी, मिचल सेंट्रल, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, उसके बाद यश सिंह और तुषार देशपांडे एंड उसके बाद आर रिजिकलन जो सबसे अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे। लेकिन अगर इन सबका रिसेंट फॉर्म देखा जाए
तो आपको करना क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ को अपने टीम में लेकर जा सकते हैं। 32 रन 62 रन 98 रन 108 रन का पारी खेला हुआ है। इस समय अजिंक्य रहाणे का अपने टीम में करना क्या है, एक टीम में लेकर जाना है, एक टीम में ड्रॉप करना है, क्योंकि अगर बंदा अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर देगा तो आप ड्रीम इलेवन चेंजर बन सकते। जैसा कि मैंने आपको बता के रखा था पिछले मैच में रजत पाटीदार अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं, मैंने उनको अपने टीम में वाइस कैप्टन बना के गया था। लेकिन अगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ड्रेम मिचेल की बात की जाए, पिछले मैच में अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने 30 रन का परफॉर्मेंस करके दिलाया है, उसके बाद एक मैच में बड़ा पारी खेला है 52 रन का। उसके बाद बात करें मोइन अली, तो उनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होता है, बॉलिंग से पॉइंट तो नहीं है देने वाले। लेकिन अगले बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तो उसके बाद शिवम दुबे, दो मैचों से फलाप जा रहे हैं लेकिन इस बार बड़ा पारी खेल सकते हैं, इसलिए इनको अपनी टीम में लेकर जाना है। अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है तो आपको चेन्नई का बैटर लेकर जाना है, बॉलर को आपको अच्छे खासे लेकर जाना है। उसके बाद रविंद्र जडेजा की बात करें तो पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया था प्लस अच्छे खासे बैटिंग करके दिलाए थे, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर अगले बैट्समैन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है महेंद्र सिंह धोनी, शार्दुल ठाकुर, तो इनका क्या है कि इन दोनों को अपनी टीम से ड्रॉप करके जाना है क्योंकि इन दोनों का अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं होता है। महेंद्र सिंह धोनी का थोड़ा बैटिंग ऑर्डर ऊपर रहता है और इसी वजह से इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता है। तुषार देशपांडे अच्छे खासे बैटिंग करके दिला सकते हैं। अगर इस वेन्यू में की बात करें, इन्होंने 2 मैचेस खेला हुआ है, 1 विकेट निकाल चुका है। उसके बाद रिचर्ड गैलेसन की बात करें, पिछले मैच में इन्होंने फ्लॉप गया था और अच्छे खासे विकेट नहीं निकाल पर दिला पाए थे। मिचेल सेंट्रल, उसके बाद समरजीत सिंह की बात करें तो समरजीत सिंह पिछले मैच में 2 विकेट लिया था और मिचेल सेंट्रल 1 भी विकेट नहीं मिले पाए थे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चेन्नई का अगर इसमें देखा जाए तो स्टार्टिंग बॉलिंग डेथ बॉलिंग कौन करा सकता है, तो स्टार्टिंग बॉलिंग बात करें तो मिचेल सेंट्रल, उसके बाद तुषार देशपांडे और रिचर्ड गैलेसन होने वाले। अगर इसमें बात करें डेथ बॉलिंग की तो उसके बाद शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे, रिचर्ड गैलेसन होने वाले जो यही बॉलिंग आपको कराने वाले। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसमें ऋतुराज गायकवाड़ का अगर बैटल प्लेयर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ को कौन सबसे ज्यादा आउट किया है, तो पहले नंबर की बात करें तो इसमें आपको रशीद खान, उसके बाद एस जसन, उसके बाद एम मोहित शर्मा होने वाले। अगर इसमें महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, मोहित शर्मा, उसके बाद रशीद खान, क्योंकि रशीद खान देखा जाए तो 10 ओवर के बाद आते हैं, मोहित शर्मा भी 10 ओवर के बाद आते हैं, ये आपको मिडल ऑर्डर में जो विकेट निकाल के दिलाएंगे। लेकिन इसी में बात करें तो डीन नलकंडे, उसके बाद है मोहित शर्मा, मोहित शर्मा का देखेंगे तो सबसे अधिक विकेट लिया है, रविंद्र जडेजा को भी लिया है, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को एंड यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रविंद्र जडेजा को, मोहित शर्मा भी लिया है, रशीद खान, या 2 बॉलर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अब चलिए बात करता हूं कि अगर गुजरात टाइटंस का प्लेइंग 11 देखा जाए तो सुमन गिल, विद्यमान साहब, साई सुदर्शन, उसके बाद डेविड मिलर होने वाले, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, उसके बाद यल सुतार एंड यहाँ पर के रशीद खान यानी जॉस लिटिल और नूर अहमद, उसके बाद एस वारियर और मोहित शर्मा होने वाले। अगर इन सब का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो सुमन गिल का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कई मैचों से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे क्योंकि बड़ा प्लेयर है, कभी भी परफॉर्मेंस करके दिला सकता है। 2 विकेट, 2 रन, 16 रन, 6 रन, 35 रन, 8 रन, इस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है। लेकिन विद्यमान साहा का भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, दोनों बैटर ही फ्लॉप जा रहे हैं। लेकिन इस बार हो सकता है फ्लॉप भी जाए और अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला दे, लेकिन साई सुदर्शन अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं, इनको अपने टीम में लेकर जाना है। मिडल ऑर्डर में आपको करना क्या है, डेविड मिलर को अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं, 30 रन, 26 रन, 55 रन, इनको अपने टीम में लेकर जा सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर शाहरुख खान की बात की जाए तो 2 मैचों से अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला रहे हैं। पिछला मैचेस की बात करें 58, उसके पिछले मैच में इन्होंने 37 रन का अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिलाए। राहुल तेवतिया अगर बैटिंग का चांस मिलता है तो अच्छे खासे बैटिंग करके दिला सकते हैं, पिछले मैच में इन्होंने 35 रन का शानदार पारी खेला हुआ है। अगर इसमें बात करें रशीद खान, तो इनका आगे देख सकते हैं 3 मैचों से अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, इस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है। लेकिन वहां पर बात करें मानव तुषार का, जो पिछले मैच में 0 विकेट, 1 विकेट, 1 मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया है, उसके बाद 1 मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया है, अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। अब चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसमें देखा जाए तो संदीप वारियर का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इनका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है, हर एक मैच में अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं, तो इनको अपने टीम में लेकर जाना। मोहित शर्मा लास्ट मोमेंट में बॉलिंग कराते हैं और इनका खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, हर एक मैच इनका फ्लॉप जा रहा है। लेकिन नूर अहमद पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे एंड यहां पर जॉस लिटिल की बात किया जाए तो पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेट लिया था,
सबसे अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे और इन्होंने कैप्टन का उस दिन भी काम किया था। लेकिन अगर इसमें बात करें गुजरात टाइटंस का स्टार्टिंग बॉलिंग कराने की किसको ज्यादा संभावना है, तो इसमें अगर देखा जाए तो मोहित शर्मा, जॉस लिटिल, उसके बाद मानव सुथार होने वाले, मोहित शर्मा डेथ बॉलिंग, उसके बाद संदीप वारियर और जॉस लिटिल होने वाले जो लास्ट मोमेंट में अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। अगर सुमन गिल की बात करें तो कौन सबसे अधिक विकेट ले चुका है, तो दीपक चहर, उसके बाद एम चौधरी और शार्दुल ठाकुर, एक बार इन्होंने शार्दुल ठाकुर को आउट कर चुका है। उसके बाद दीपक चहर, रविंद्र जडेजा अच्छे खासे बॉलिंग करके दिला सकते हैं, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, उसके बाद मोइन अली, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खास रहता है, तो इनको अपने टीम में लेकर जा सकते हैं, अच्छे खासे इसमें बैटिंग करके बॉलिंग करके दिला सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बात करें तो कौन सा वह तीन ट्रम्प कार्ड होगा जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं इसी ट्रम्प कार्ड से अपने ड्रीम इलेवन में चेंजर बनता हूं। तो सबसे पहले आपको शार्दुल ठाकुर को ऐसा टीम बना के जाना है, इनको अपने टीम में लेकर जाना है। उसके बाद मिचेल सेंट्रल को रखना है, नूर अहमद को, या तीन बॉलर को अपने टीम में रखना है जो आपको एक ऐसा टीम बनेगा, सबसे यूनिक टीम बनेगा। लेकिन कप्तान की बात करें तो रशीद खान, उसके बाद शुभमन गिल को बना सकते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस बार ऋतुराज गायकोड़ को रखना है। अगर कौन सा वह सात खिलाड़ी होगा जो आपको अपने ड्रीम टीम में शामिल करना है, शुभमन गिल, रशीद खान, मोहित शर्मा और डेरिल मिचेल, ऋतुराज गायकोड़, साई सुदर्शन, उसके बाद रविंद्र जडेजा होने वाले, यही जो सात प्लेयर होने वाले अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आज का ड्रीम टीम कौन हो सकता है, तो आज का ड्रीम टीम में मैंने शामिल करके रखा है, इसमें विद्यमान शाह को ले रखा है जो अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। उसके बाद सुमन गिल, यहाँ पर शिवम दुबे, डेरिल मिचेल को रखा है, इस बार मैंने ऋतुराज गायकोड़ को कैप्टन बना के रखा है, एंड यहाँ पर साई सुदर्शन को ले रखा है जो इस बार बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिलाने वाले, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर बॉलर की बात करें तो बॉलर मैंने इस बार ज्यादा ले रखा है, इसमें तुषार देशपांडे, यहाँ पर शाहरुख खान को ले रखा है, राहुल तेवतिया एंड रविंद्र जडेजा को ले रखा है, उसके बाद रशीद खान को ले रखा है। अगर आप रशीद खान को लेंगे तो आपका ज्यादा चेंजेस होने की परफॉर्मेंस कम रहेगा, लेकिन आपको लोकल बॉलर को लेकर जाना है, वही अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे। तो उससे पहले आपको करना क्या है, जब आपको टॉस होने के बाद जब मैं आपको टीम देता हूं ना, सबसे यूनिक सबसे अलग तरीका से टीम देता हूं, तो जल्दी से आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, वहां पर सबसे यूनिक सबसे अलग तरीका से टीम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।